बापू जी भी गजब है। कसरत करने से शरीर की तंदुरुस्ती बनती है, अरे नींद पूरी नहीं होने से तबीयत बिगड़ती है, उसका क्या। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। हाँ उत्साह उत्साह है सुबह सुबह। अय्यर चलो। जेठा जी जेठा जी यहाँ क्यों सो रहे? दया भाभी के साथ रात को झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बाबूजी ने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए इधर आकर सो गया। क्या अय्यर कुछ भी बोल रहे हो? जेठा जी ओ अदा साहब क्या हुआ? इधर आओ इधर आओ, यहाँ देखो कौन बड़ा है। अरे क्या हो गया? अरे जेठालाल जरा देर ना बोलो, जेठालाल जाग जाएगा। अरे जाग जाएगा क्या भाई, जगह नहीं तो है, ये कोई सोने की जगह है। जेठालाल ओ घड़ा साहब, जेठालाल जेठालाल ओ घड़ा साहब, जेठालाल की हो गया यारो। देख रहे जेठालाल उठ ही नहीं रहा, कब से उठा रहा है? अभी उठा देते हैं आप। अरे कोई घर में नहीं घुसा है, तुम गार्डन में घुस गए हो। इंसानों से जो काम नहीं हुआ वो कुत्ते से हो गया। ओए मेहता साहब, मैंने जो कुत्ते की आवाज निकाली उससे। बबीता जी क्या सोनी ने डराया। पर जेठालाल ये क्या माज रहा है भाई, ऐसे गार्डन में बेंच पे सो रहे थे ये क्या? अरे भाई वो क्या हुआ कि कल रात को थोड़ा देर से सोया मैं, तो सुबह बहुत नींद आ रही थी, इतने में बापू जी बोले ठंड का मौसम है चलो बाहर जाओ गार्डन में जाओ कसरत करो थोड़ा दौड़ा दौड़ी करो, तो इसलिए बाहर धकेल दिया। गार्डन में आया तो इतनी नींद आ रही थी वो आके बैठा ही था। बबीता जी बबीता हम लोग वॉक कंटिन्यू कर दे। तुम स्लीपिंग कंटिन्यू करो। ओके चलो चलो ओके बाय एवरीवन। अरे चलो भाई चलो, क्या तमाशा हो रहा है क्या? चलो चलो चलो। नहीं भाई हमारी एक्सरसाइज तो हो गई है, मेरा जॉगिंग हो गया है। तुम करो चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। गुड नाइट जेठालाल, आई मीन गुड मॉर्निंग चापले। आइए आइए मेहता साहब आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठो मत यार, चाचा जी ने कहा तो थोड़ा चक्कर लगाओ एक दो। अरे भाई चाचा जी की बातें मत करो, यह ठंड का मौसम आता है और चाचा जी को भूत सवार होता है मुझसे कसरत करवाने का। काश एक और मेरा फ्लैट होता तो बापू जी बोले मुझे कसरत करने के लिए फ्लैट से निकाले, मैं सीधा दूसरे फ्लैट में घुस के सो जाता। फ्लैट चाहिए तुम्हें? दिलाऊं एक है? अरे शानदार बहुत बढ़िया, वाजिब दाम पे, इतना बढ़िया फ्लैट है जिसकी हद नहीं। अच्छा विरार में। अरे क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह मेहता साहब, मैं इधर घर से निकल कर ट्रेन पकड़ के विरार में सोने जाऊं? अपनी सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो बोलो। अपनी सोसाइटी में फ्लैट? अरे भाई अपनी सोसाइटी में फ्लैट आसानी से मिलता कहाँ है? पहली बात तो एक भी फ्लैट बिकाऊ नहीं है, दो चार फ्लैट बंद पड़े हैं, उनके ओनर्स भी पता नहीं कहाँ है, बेचना ही नहीं चाहते इन फ्लैट्स को। और सच पूछो तो दाम क्या हो गए यार, दो साल पहले जो फ्लैट 40 लाख में मिल जाता था जेठालाल, सीधा 54-55 लाख। मेहता साहब अगर सगवड़ हो तो मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा होगा। अरे सो नाइस ऑफ यू जेठालाल मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन भैया मैं लिमिटेड इनकम वाला राइटर आदमी हूँ, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा, ये तुम जैसे व्यापारियों के काम है। तो बोलो तो एक दिला देता हूँ आपको फ्लैट, बोलो। अरे नहीं 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 भाई, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे सोने के लिए दूसरे फ्लैट की जरूरत नहीं है। भाई चलो चलता हूँ, चलो चलो फिर मैं भी एक काम करता हूँ, बापू जी ने बोला ये तो दो तीन चक्कर मार ही लेता हूँ। ये भी ठीक है।
वाह सपूत हाँ सपूत सपूत बाय जेठा जी बाय मेहता जी बाय 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 मेहता जी बाय 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 चल तो अब क्या इरादा है जेठालाल चलना है या चलना है सब चलने वाले चले गए फिर मैं क्या इधर चलता चलता भजिया तलो चलो भाई चलो चलो वो बात बराबर है ना चलो चलो अरे यार कल सुबह चद्दर और तकिया भी लेके आना ना तो क्या बाकड़े में सोने में तकलीफ होगी ना अब भी बस ना बच्चे के जान लोगे क्या चलो 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 ओके जल्दी भाई लो ना भाई अरे बाप रे टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे जी जी